शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। कल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि एबीवीपी के गुंडे जाके जोर से बोलिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के छात्रों पर हमला किया गया। आज देश का ये हाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। और ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिम्मेदार सेंट्रल लेवल के सरकार होते हैं, सेंट्रल लेवल की सरकार होते हैं। और सरकार विफलता है, सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। जीडीपी देश का 2.5 है, ये जीडीपी नज़र नहीं आ रहा। और सरकार एक एंटी नेशन के नाम पे कभी दो गुटों के बीच मारपीट करवाती है। सरकार को कोई नज़र नहीं आ रहा किसी चीज़ पे भी, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। शिक्षा व्यवस्था आज जीरो लेवल का है, आज हमें शिक्षा नहीं मिल पा रहा। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बंद है, पिछले 23 दिन से जामिया मिल्लिया इस्लामिया लड़ रहा है प्रोटेस्ट पे, ये सरकार को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस चीज़ पे मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी करतूतों पे बाज कीजिए, करतूतों पे अलम कीजिए। ये अब स्टूडेंट पे कितना वार कीजिएगा, स्टूडेंट पे कितना वार कीजिएगा। आज सबसे पहले ये बताया गया कि पहले नोटबंदी लाया गया, नोटबंदी ला करके वो बोले कि सरकार बोले कि जितना भी काला धन है सब काला धन वापस हो जाए। क्या काला धन वापस आया? काला धन वापस नहीं आया। उसके बाद ही पुलवामा अटैक होता है, पुलवामा अटैक होता है और सरकार को सिर्फ एक आर्टिकल 15 में जो बहिष्कार है उसका ये बहिष्कार है। आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। आप एक समुदाय को छोड़ के आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ये सरकार को चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद कीजिए। और आर्टिकल 21A में ये लिखा गया है, राइट टू प्राइवेसी के नाम की कोई चीज़ होती है। आज क्या हो रहा है कि आधार कार्ड पे जितना भी चीज़ है नंबर निकाल के वो सरकार क्या कर रही है, एक तरीके का एक स्कीम चला रही है कि माइनॉरिटी को, तबके को दबाया जा रहा है। आर्टिकल 21A में राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा है, सीधे तौर पे उल्लंघन है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21A का उल्लंघन है। और मैं यहाँ से यही अनुरोध करूँगा सरकार से, आज जितने भी देश भर में यूनिवर्सिटी है सारे यूनिवर्सिटी पे हमला बंद कीजिए। बहुत हुआ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम जवाहरलाल नेहरू साहब के विचारधारों पे चलने वाले हैं। हमारा विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे टिका हुआ है, हमारा विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू पे टिका हुआ है, हमारा विश्वविद्यालय महात्मा गांधी पे टिका हुआ है, हमारा विश्वविद्यालय नाथूराम गौडसे से नहीं चलता, हमारा विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से चलता है, जो संविधान के कर्ता धरता है। हम उसको मानने वाले लोग हैं, हम नाथूराम गौडसे को मानने वाले लोग नहीं है। सरकार से मैं यही अपील करता हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी पे बंद कीजिए हमला। आपका नाम क्या? मेरा नाम शादाब हयात हुआ। आप कहाँ से हैं? मैं अररिया जिला से हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ।